झारखंड एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देश भर में उग्रवादी संगठन और अपराधियों को हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क का उद्भेदन करते हुए 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इससे पहले भी हथियार सप्लाई मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे पहले ATS ने हथियार सप्लाई मामले में CRPF के जवान की गिरफ्तारी की थी, तो वहीं इस बार पंजाब के BSF जवान को इस पूरे नेटवर्क के किंग पिन के रूप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार जवानों में ज्यादातर अभी भी अपनी सेवा दे रहे हैं, जो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। 4 लोगों के बारे में पहले पिछली प्रेस वार्ता में बताया गया था। 5 जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है उसमें अरुण कुमार सिंह, ये BSF 116 बटालियन का वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया हुआ कांस्टेबल है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा कार्तिक बेहरा 116 बटालियन फिरोजपुर का, ये वहाँ पर कार्यरत था और कोत का प्रभारी था, उसकी गिरफ्तारी पंजाब फिरोजपुर से की गई है। इसके अलावा 3 लोगों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र से की गई है, बुलढाणा जिले से, उसमें कुमार गुरलाल, शिवलाल धवल और हीरालाल गुमान, ये इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डरिंग एरिया में अवैध हथियार का कार्य करते थे। और इसमें क्या कुछ और अन्य लोगों के बारे में भी हम लोगों को पता चला है, उनके माध्यम से वो एम्यूनेशंस की सप्लाई प्राप्त करता था और देश के अलग अलग जगहों पर जाकर प्राप्त किया है, और उसके बाद वो जो ये पूरा आर्म सप्लाई का नेटवर्क है जिसमें और बाकी लोग शामिल हैं, उनको वो एम्यूनेशन दिया करता था और उनसे पैसा प्राप्त करके ये पैसे के एवज में ये लोग ये कार्य किया करते थे। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।